नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली जब भी हम कोई गीत बजाते हैं, जैसे हमें मालूम होता है कि इस तर्ज पर हमारा गीत है और हम उसे हारमोनियम पर भी बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं बजे या ना बजे कौन सी गीत हमें, मतलब हारमोनियम पर वो तर्ज निकालनी आती है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हम किस तरीके से जो है अपने उस तर्ज को आसान तरीके से निकाल लें। तो ये हम कन्फ्यूजन बना रहता है, हम भूल जाते हैं, हारमोनियम को पूरा बजा लेते हैं लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो बस इसी के लिए वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी जो है जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी सी समझ आ सके कि हाँ, जैसे कोई सी तर्ज है उस पर उसकी जो है कहते हैं उसकी आकार में उसे लेकर हम उसको तुरंत फटाफट जान लें कि कौन सी तर्ज में चल रहा है, कौन सी तर्ज में नहीं चल रहा है। जब तक ये हम जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी दूसरे का भी गाना नहीं बजा सकते हैं और अपना भी भूल जाएंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ को समझने के लिए शुरू से लेके और अंत तक बने रहिएगा, अदरवाइज अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो कुछ समझ में आपके नहीं आएगा। तो बस बने रहिएगा शुरू से अंत तक, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ साथ अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आकार के लिए जैसे कोई गाना भी अपन गाओ, तुम जैसे हमने जो भी सिखाए हैं उसमें से एक गाना गाओ, गाओ गाओ कोई गाना गाओ। अब एग्जाम्पल फोर के लिए हम इनको छोड़ रहे हैं, जैसे गाओ कुछ में किसी में गाओ। जैसे ये गाना गाया तब में थाड़ो छाती दान, ये एक अलाप में इसे हम गाएं तो इस पर देखें कितने धुन हम बजा सकते हैं। जैसे ला 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 ला, उम्र मेरी कैसे कटे बारी। अब वही चीज वही है लेकिन गाना उस पर बहुत सारे गीत चल रहे हैं। आज जैसे लाला श्री वृंदावन धाम अपार रे जाओ राधे राधे श्री अरे दशरथ के राजकुमार बन में फिरते मारे मारे, है ना। तो एक चीज पर बहुत सारी चीजें हैं हम प्ले कर सकते हैं उनको, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइम अब कोई दूसरी गाइए जैसे और तुमको बताई है तो उन पर फिर बताएं हम आपको। हाँ मतलब एक एक ही चीज पर बहुत सारे, जैसे सावन का महीना बताया था कि तुमको, हाँ गाओ। अब जैसे ये गा रहे हैं, ठीक है, हम न्यू बजाने वाले हैं तो हम इस चीज को ढूंढेंगे क्योंकि हमें तर्ज तो हमें बहुत अच्छी तरीके से बजा लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या गा रहे हैं, मतलब ये गा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, गाओ तुम अब गाओ। पहले हम थोड़ा सा पहले थोड़ा गड़बड़ हमारा होगा फिर हमारा सही आ जाएगा क्योंकि हम उस चीज को कैसे समझेंगे, इस चीज को देखिए लाइव। आप इस तरीके से चलेगा तो आपकी बटन पर उंगली आपकी चलेंगी, सेटिंग चलेगी आपकी, लेकिन आप करेक्टली नहीं दे पाएंगे। जो चीज़ आपको देनी है वो चीज़ आप जो है गाने वाला कोई गा रहा है तो उसे नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप गाओ। अब इस चीज को इन्होंने गाया, मैंने आकार में इस चीज को बोला ला 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 ला। अब इस तरीके से ही अंतरा में, ठीक है। तो आप एक गाना, जैसे ये गाना चल रहा है तो उस पर बहुत सारे गीत हैं, एक नहीं है बहुत सारे गीत हैं, आप मतलब उस चीज को अलाप में लीजिएगा तभी इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गीत गाइएगा, अगला गाना गाइए, कोई सा कुछ भी गाइए, कहीं से भी गाइए। मेरे मन में गई सवार
अभी उन्होंने तर्ज गाई, ठीक है, अभी हमें तो मालूम है। अब इस पर कोई अगर सामने वाला, जैसे आप देहात गांव में, जैसे देहात की सीख रहे हैं, अपने क्लासिकल भी सीख रहे हैं, दोनों चीजें सीख रही हैं, तो जो है, तो जैसे इन्होंने तर्ज लिखी, ठीक है, तो इस तर्ज को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मत लिया। अब हमने भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, हमको भी मालूम है, आप नए, जैसे हम नए बजाने वाले हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे ढूंढेंगे कि इसमें एक कौन सी तर्ज में गाना चल रहा है। इन्होंने गाना गाया, क्या गाया, दोबारा गाओ। मेरे मन में गई समाए। अब इन्होंने गाया, ठीक है, हमारी है, चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, उसी पे चल रहा है। अब इस पर एक भजन आप याद कर लीजिए, जरूरी नहीं कि यही आप याद करें, कोई एक भजन, जैसे मेरे चुंगत उड़ाए दे मोर, अरे मोर जा सोदा तेरे लाला ने मेरे, कोई गा रहा है तो इस चीज को तुरंत लय आकार में करिएगा, आकार में करेंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट गीत गाओ। अब इस चीज को बहुत, यही चीज जरूरी होती है, गाओ। ये चीज अब हमें मालूम है और हम अच्छी तरीके से निकाल भी लेते हैं, लेकिन हमारी उंगली लड़खड़ा रही, क्योंकि हम उस चीज को अलाम में नहीं ले रहे हैं, आकार में नहीं ले रहे हैं। हम गाओ चल रही है ना, तो उस चीज को अलाप में हमें मालूम है, तो हमने तुरंत उस चीज को यही अंतरा पर ला 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 कोई चीज आप आसान तरीके से अलाप, ये आपका 100% कारगर तरीका है। जब भी आप दूसरे का गाना निकालें, अपना निकालें, तो उसे एक बार आकार में करके देखें, मनी मन में गुनगुना कर देखें, 100% गारंटी आप उस चीज को गारंटी से बजा लें, क्योंकि आपको वही चीजें हैं सब, घिसी पिटी जो भी है, जो भी जैसा भी है, वो सब वही है, आप उसी पर ही सब कुछ चलेगा, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।